मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। इस वक्त जब पूरा देश विंग कमांडर अभिनंदन के सकुशल लौटने की कामना कर रहा है, तो उस समय पूरे देश में हर कोई उनके बारे में तमाम चीज़ें जानने का भी इच्छुक है, क्योंकि हमारे ये रियल हीरोज़ फिल्मों के हीरोज़ की तरह नहीं होते। देश के लिए मर मिटने की ताकत रखने वालों की ज़िंदगी आम शहरी की तरह ही होती है, जो कभी भी सुर्खियों में नहीं रहते हैं, बस अपने फ़र्ज के लिए चुपचाप बिना ग्लैमर वाली आम जिंदगी जीते हैं। आज हम आपको विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की ज़िंदगी का वो पहलू बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप गर्व की अनुभूति से भर उठेंगे। आज हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, पर कुछ चीज़ों से पर्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारी जानकारियाँ देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता करने वाली कभी नहीं होती हैं। फिर भी हम आपको कल पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बंदी बनाए गए हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन के परिवार के उस पहलू के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद हमारा सीना उनके लिए गर्व से फूल उठेगा। विंग कमांडर अभिनंदन के पिता भी हमारी वायुसेना के जांबाज अफसर रहे, तो अभिनंदन की पत्नी तन्वी मारवा भी स्क्वाड्रन लीडर रह चुकी है। मतलब पिता, बेटा और बेटे की पत्नी सब ने हिंदुस्तान के जंगी जहाज उड़ाए हैं और भारतीय वायुसेना में अपनी जिम्मेदारियों को देश के हित में बखूबी उन्होंने निभाया है। कमांडर अभिनंदन वर्तमान का भारतीय वायुसेना का सर्विस नंबर 27981 है और उनके पिता सिम्हा कुट्टी वर्तमान का सर्विस नंबर 13606 है। बेटे की जांबाजी पर आज रिटायर्ड एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी वर्तमान का सीना चौड़ा हो गया है। उनका परिवार भले अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए सरकार से अपील कर रहा हो, वो हमेशा देश के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी वर्धमान ने कहा था कि फाइटर प्लेन ये नहीं जानता है कि उसे उड़ाने वाला मर्द है या फिर औरत। 1973 में एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी वर्धमान के पास में 4000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है और सिम्हा कुट्टी 40 से ज़्यादा तरह के विभिन्न प्लेन उड़ा चुके हैं। करगिल जंग के दौरान वो ग्वालियर एयरवेज के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थे। एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी वर्तमान ने सन 2017 में मणिरत्नम की फिल्म कातरू वेलैयदी के लिए एक सलाहकार का काम भी किया था, जो फिल्म करगिल युद्ध के दौरान एक भारतीय पायलट के पाकिस्तान में पकड़े जाने पर बनाई गई थी। संयोग देखिए कि उनके बेटे को पाकिस्तान ने एयरफोर्स मिशन के दौरान पकड़ लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे जांबाज अभिनंदन की पत्नी भी एक जांबाज वायुसेना पायलट रही हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पत्नी रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर तन्वी मारवा ने बंगलुरु में स्कूली पढ़ाई करने वाले एयरफोर्स ऑफिसर के बेटे विंग कमांडर अभिनंदन को अपना जीवन साथी चुना और सर्विस नंबर जो है उनका वो 28800 है और वो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर काम करती थी और 15 साल की सर्विस के बाद हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर वो रिटायर हुई। तन्वी मरवा IIM अहमदाबाद से आर्म्ड फोर्सेस का एग्जीक्यूटिव कोर्स भी कर चुकी है और इस वक्त बंगलुरु में रिलायंस जियो की DGM है। अभिनंदन और तन्वी का एक छोटा सा बेटा भी है, उसका नाम है तविश, जिसकी तस्वीर हमारे पास में है लेकिन हम उसे शेयर नहीं कर रहे हैं। बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे और जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आज पूरा देश इस परिवार को गर्व से देख रहा है, तो हम आपको इस परिवार पर एक और गर्व की अनुभूति वाली बात बता देते हैं कि उनके भाई भी भारतीय वायुसेना में हैं, जिनकी कोई भी जानकारी हम आपके साथ में इस वक्त शेयर नहीं करेंगे और आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी इस गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। अगर आपको हमारी खबरें, किस्से, कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली खबर तक, जैसा कि हम आपको कहकर जाएंगे, धमचैक मचाते रहिए।